इंडिका, ये क्या है, मेगास्थनीज। इंडिका नाम की जो किताब है वो किसने लिखी है, मेगास्थनीज। विनय पत्रिका, वो पत्रिका जिसमें विनय हो वो किसने लिखी है, तुलसीदास। अब इन तीनों किताबों में एक बात सुनना कॉमन, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी, नामा शब्द का होता है तुर्की भाषा, जहां पे आ जाए नामा समझ लो वो पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा, समझ गए। तो बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी, हुमायूं जो इसका बेटा था बाबर का, हुमायूं नामा लिखी गई, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, जिसका बदन कैसा था मुझे नहीं पता, नाम है गुल बदन बेगम। आगे अकबर नामा, अकबर नामा लिखी अबुले बदल, तो बाबर नामा बाबर, अकबर नामा अबुल बदल, और हुमायूं नामा बदल। ओके, अब दोस्तों ये किताब बड़ी प्यारे तरीके से आपको याद होगी, मजा आ जाएगा पढ़ के। रविंद्रनाथ टैगोर को पहले आपको जानकारी दे दूं, 1913 में साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था, आया ना, और भारत के पहले साहित्यकार या भारत के पहले नोबेल प्राइज विजेता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक किताब लिखी जिसका नाम है गीतांजलि। नाम क्या है, गीतांजलि। का रंग कैसा था, तो एक दिन वो गार्डन में बैठी थी, कहां बैठी थी, गार्डन में बैठी बैठी ड्राइंग कर रही थी, यानी चित्र बना रही थी। अब उस चित्र को लेके वो कहां पहुंच गई, डाकघर में, और डाकघर में एक्चुअली पहुंची थी उसको विसर्जन करने के लिए, तो भैया इसको आगे पहुंचा दो, अच्छा चित्र बनाया था, तो वहां पे कौन मिले, पोस्टमास्टर। अब पोस्टमास्टर ने वहां पे आनाकानी करी, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, तो उसने क्या उठा लिया, स्टोन, पत्थर, हंगरी स्टोन, और किसका रूप धारण कर लिया, गीतांजलि ने, चंडाली का, यानी दुर्गा का रूप धारण कर, याद हो गया, यस सर। लड़की का नाम क्या था, रंग कैसा था, कहां बैठी थी, क्या बना विसर्जन करने गई, किससे मिली, क्या उठा लिया, किसका रूप धारण कर लिया। तो ये किताब किसने लिखी है, रविंद्रनाथ बोलो, याद हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दो किताबें, कुली और कन्फेशन ऑफ लवर। देखिए यहाँ थोड़ा सा मीठा सा शब्द आया, क्या तुम्हारे लायक आ गए, तो कुली कहाँ मिलेगा, रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन पे जो कुली होता है, आने जाने वाली सभी यात्रियों का क्या उठाता है, वो आनंद लेता है, ये की है, ये समझ गए। तो ये पूरे दिन क्या लेता है, आनंद लेता है, और एक जोड़ा निकल रहा था, यानी लवर निकल रहा था, तो कन्फेशन का मतलब होता है माफी मांगना, या अपनी बात को मान लेना। तो यहाँ पे कुली और कन्फेशन ऑफ लवर दोनों किसने लिखी है, मुल्कराज आनंद ने। किसने, मुल्कराज आनंद ने कौन सी लिखी, कुली और कन्फेशन ऑफ लवर। जहां पे लव की बात आ जाए वहीं पे क्या ले लेना, समझ में आ गया। अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी का मतलब होता है आठ अध्याय, अष्ट अध्यायी। अगर आठ अध्याय तुम एक साथ पढ़ोगे तो तुम थक के क्या मांगोगे, पानी, हो गया, पानी नी, अस अध्यायी पानी। अब आता है आनंद मठ, बंकिम चंद्र, इस आनंद मठ को मत भूल जाना, इससे हमारा क्या लिया गया, राष्ट्रीय गीत, किससे लिया है, आनंद मठ से। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो आनंद मठ, समझ गए मेरी बात आप। ओके, गीत गोविंद, ये गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया, भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला किसमें, जो गोपियों से, बस बस रास सजाते थे, और काल भगवान श्री कृष्ण की क्या हो रही है, जय जय। एक्चुअली बड़े पवित्र इंसान थे भगवान श्री कृष्ण। आज लोगों की गलत धारणा है कि वो जब नहाती थी तालाब में तो उनके कपड़े उठा लेते थे, उनका मकसद गलत नहीं था, लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रेजेंटेशन दी है। उनका मकसद ये था कोई भी इस तरह से ना नहाएगा, एक बार मैं कपड़े उठा ले गया तो दोबारा से गोपियां इस तरह से